प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल उत्तर के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी का नामांकन पत्र स्कूटनी में निकला सही, रद्द होने की उड़ी थी अफवाह। कृष्णेंदु ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप, व्यक्तिगत हमले करने के लिए तृणमूल नेताओं को दी चेतावनी। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की शुक्रवार को आसनसोल में चुनावी सभा, पार्टी प्रत्याशी दानिश अजीज के लिए करेंगे प्रचार। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों के लिए कुल 67 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, इनमें से 14 है निर्दलीय। क्या आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने नामांकन पत्र जमा देने के दौरान उसमें गलत और अधूरी जानकारी दी है, और क्या इस वजह से उनका नामांकन रद्द होने जा रहा है? ये सवाल पिछले 2 दिनों से अफवाह बनकर आसनसोल की फिजा में तैर रहे थे, लेकिन बृहस्पतिवार को कृष्णेंदु मुखर्जी ने इसे गलत बताया और इस अफवाह के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेवार बताया। हालांकि खबर है कि कृष्णेंदु ने अपने नामांकन पत्र के संदर्भ में बुधवार को एक अलग से हल्फनामा दिया था, लेकिन अलग से हल्फनामा देने की क्या जरूरत है, अब इस पर भी सवाल उठ रहा। दरअसल रिभु बॉस नामक एक व्यक्ति ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी है। किन कंपनियों में वे और उनकी पत्नी डायरेक्टर है, इसकी जानकारी छिपाई गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विभिन्न मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कृष्णेंदु को आसनसोल में प्रवेश न करने की हिदायत दी थी, जिसकी वे खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्रचार कार्य कर रहे हैं। इस सारे आरोपों के आधार पर कृष्णेंदु मुखर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने सारे आरोप को नकार दिया है। बृहस्पतिवार को अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मैंने सच्चाई छिपाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नामांकन पत्र की स्क्रूटनी हो गई है और चुनाव अधिकारियों ने उसमें कोई गलती नहीं पाई है, सब कुछ ठीक है। আমার নমিনেশনে ফিল আপ করেছি, তার পিডিএফও আপনারা পেয়েছেন, নেটে ডাউনলোড করা আছে, এর মধ্যে কোনো সত্য গোপনের কোনো ব্যাপার নেই। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ने खासकर तृणमूल नेता अभिजीत घटक पर प्रहार किया कि वे झूठ का सहारा ले रहे हैं। कृष्णेंदु ने साथ ही यह भी कहा कि अब उन पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, झूठी बातें की जा रही है। उन्होंने तृणमूल नेताओं को चेतावनी दी कि वे राजनीति को राजनीति की तरह ही ले, नहीं तो 2 मई के बाद जब सत्ता बदल जाएगी तो उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। বর্তমান এখনো পর্যন্ত যে যে জায়গায় দেওয়াল লেখন আমাদের হয়নি, সেসব জায়গায় আমাদের সমস্ত কর্মীদেরকে ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। আমাদের ছেলেরা যেখানে চুন করছে সেইখানে তৃণমূল নিজে আগে থেকে লিখে দিচ্ছে। আমরা বারবার আমরা চেষ্টা করছি আমাদের কর্মীদের বোঝাবার যে কোনো রকম লড়াইয়ের জায়গায় যেন না যায়। তারপরেও কিন্তু এই জিনিস কন্টিনিউ চলছে। আমরা এই ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, আমাদের কনভেনর এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছি, আজকে বার্তার আবার আমরা এটা করব এবং বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণের জায়গায় যাচ্ছে। এখন কালকে গোটা দিন ধরে একটা চর্চা আমি শুনছিলাম যে নাকি হঠাৎ করে তৃণমূলের ওইখান থেকে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার নাকি নমিনেশন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এবং তারপর আমার নাকি ফ্যামিলির আরও কোনো মেম্বার নাকি নমিনেশন করবে, এইরকম বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই এই গুজবে কান দেবেন না, বিভিন্নভাবে ডিফেম করার চেষ্টা হচ্ছে। অভিজিৎ মন্ত্রীর ভাই কিছুদিন আগে রেলপাড়ে এক ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে দেখাচ্ছে, সেখানে নাকি আমার নামে কিছু আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটে
কিছু নাকি অভিযোগ রয়েছে, কিছু একটা ক্লিপ দেখাচ্ছিল, একটা ফেক ক্লিপ, সেই ক্লিপটার কোনো যথার্থতা নেই এবং আপনারা নিজেরাও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের সাইটে গিয়ে সেইটা আপনারা দেখতে পারেন। ওরা একদম ব্যক্তিগত আক্রমণে নামছে, নিজেরা বুঝতে পারছে নিজেদের পায়ের তলায় জমি সরে গেছে এবং এটা একদম এটা রাজনৈতিক লড়াই থেকে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো জায়গায় কাউকে আক্রমণ করিনি, আমি নিজে যথেষ্ট সংযতভাবে এবং আমি আমার কর্মীদেরকে আমার দলের নেতাদেরকে নেতৃত্বকে আমি জানিয়েছি যে যথেষ্ট সংযতভাবে নির্বাচনটা আমরা করব এবং এই কিন্তু যে জায়গায় দিন দিন যে জায়গাটায় চলে যাচ্ছে এরা যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনছে আমরা কতদিন চুপ করে বসে থাকবো বুঝতে পারছি না। এরপর হতে পারে আমরাও কিছু ব্যক্তিগত জায়গায় আমার কাছেও এমন কিছু কিছু তথ্য, এমন কিছু কিছু ব্যাপার, এমন কিছু কিছু ক্লিপ অডিও আমাদের কাছেও আছে, সেগুলো আমরা প্রকাশ করব। এরপর যদি এরপরও এই এই জিনিস চলতে থাকে এরপর যে জিনিসটা থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু ভারী বিষয়। এটাই এইটুকুই বক্তব্য ছিল। আমি আশা করব তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ওয়ার্কারদের মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদের মাধ্যমে যে রাজনীতিতে এই নির্বাচন থাকবে, রাজনীতিতে যে কোনো দল সরকারে আসবে সরকারে যাবে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সমস্ত লড়াইটা লড়ুন, রাজনীতির বাইরে যে জায়গায় যাচ্ছেন সেই জায়গাটাতে নিজেদেরকে সংযত করুন। কারণ আগামী দিন 2 তারিখের পর তো সরকারটা থাকবে না, সেই সময় এমন অবস্থা যেন না যায় যে পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। তো একটা সংযত রেখে নিজেকে প্রত্যেকটা তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত উদ্দেশ্যে বলছি যে রাজনীতিটা রাজনীতির মতন করুন, এরকম সংঘাতকে আসবেন না, আমাদেরকে বাধ্য করবেন না। এমন কিছু আমরাও কিন্তু এরপর দেওয়ালে পিঠ ভেঙে গেলে আমরাও কিন্তু পাল্টা আমরা কিছু তখন আমরাও চিন্তা করব কিছু করার। Subscribe to my channel and also press this bell icon. লোকাল আওয়াম ইয়া সাথ হ্যায় লেকিন কুছ কুছ জো হোতা না কুছ कुछ की वजह से सब परेशानी हो रहा। भारतीय राजनीति में मुसलमानों को अपनी पार्टी AIMIM के जरिए एकजुट करने की कोशिश करने वाले हैदराबाद के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी का आखिर शुक्रवार को आसनसोल में पदार्पण होने जा रहा है। दरअसल एक दिन पहले ही आसनसोल उत्तर से ओवैसी की पार्टी के टिकट पर दानिश अजीज ने नामांकन किया था। अब दानिश के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को आसनसोल आ रहे हैं। शुक्रवार को उनकी सभा दोपहर बाद 3 बजे कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप के एक मैदान में रखी गई है। एक दिन पहले ही इस सभा के लिए प्रशासन से अनुमति मिली है। जितनी जल्दबाजी में दानिश आजीज ने गुरुवार को नामांकन किया था उतनी ही जल्दबाजी में ओवैसी की यह सभा रखी गई है। दरअसल ओवैसी की शुक्रवार को एक दूसरी सभा भी बंगाल में है। बहरहाल ओवैसी की सभा को कर दानिश अजीज तैयारी में लगे हैं। जिस मैदान में सभा होनी है वहां मंच बनाने का काम जारी है। इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था की जा रही है। सभा के लिए माइक भी मंगाई जा चुकी है लेकिन दानिश अजीज ने आरोप लगाया है कि मैदान के निकट एक क्लब द्वारा सभा में व्यवधान डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग मंच बनाने के लिए काम कर रहा है उनको क्लब के सदस्यों द्वारा धमकियां दी जा रही है, काम करने में उनको रोका जा रहा है। देखने से बड़ा भी है और देखने से नहीं कुछ बड़ा भी है। प्रॉब्लम सर यही है कि हम लोगों को कल माने 8 तारीख को हम लोगों को सुबह में परमिशन मिला। 7 तारीख को हम लोगों को सुबह में परमिशन मिला। अब देखिए प्रोग्राम है हम लोगों का 9 को, जब 9 को हम लोगों को प्रोग्राम कराना है तो 7 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव से इतना लेट में परमिशन मिला कि कहने का नहीं। पहला चीज़, दूसरा चीज़ यहाँ पे प्रोग्राम करा रहे हैं तो कुछ लोकल जो है माने लोकल आवाम नहीं बोल सकते हैं, आवाम पूरी साथ है यहाँ पे। कुछ लोकल कुछ चंद लोग हैं जिनके वजह से ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। बार बार मिस्त्रियों को यहाँ से भगा दिया जा रहा, आप देख ही रहे होंगे सुबह से ये काम लगा हुआ है। अगर सुबह से लगा रहता तो इतना पूरा अब तक बहुत सारा काम हो जाता, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी काम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से आज मजबूरन एज ए कैंडिडेट भी हम यहाँ पर बैठेंगे और बैठ के हमें अपना काम हमारे लोगों के साथ। किसका प्रोग्राम होने जा रहा है ये पे? ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होने जा रहा है, उन्हीं का जनसभा होने जा रहा है। कल वो आ रहे हैं बाद नमाज जुमा 3 बजे यहाँ पे उनका जनसभा है, उन्हीं का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो दिक्कत किस कौन कर रहा है, किसी पार्टी दल से या किस पार्टी कर रही है या पर्सनल मैटर है या प्रोफेशनल मैटर है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर डिस्टर्बेंस हम लोगों को हो रहा है यहाँ पे,
रिपीटेडली डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दिक्कत मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कौन कर रहा है आप लोग पर्टिकुलर किसी? यहाँ पे लोकल लोग हैं, जैसे सामने में कोई यहाँ पे एक क्लब है, ठीक है, ये क्लब है, ये क्लब में कोई एक लड़का है उसी के नाम से आ रहा है अभी तक। क्या नाम आ रहा है? क्या नाम था उसका? रियाज भाई, गणेश नाम से जो लड़का है वही आ रहा है। हम आज तक तो देखे भी नहीं उनको, और कहीं क्या पता। तो किसको लेके क्या पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं उसको लेकर? देखिए, हम कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर, हमने अपने ऑफिशियल्स पुलिस ऑफिशियल्स को बता दिया है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जो प्रोग्राम है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस परमिशंस के साथ हो रहा है, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है सर। बहरहाल संभवतः यह पहला मौका होगा जब चुनाव प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी आसनसोल आ रहे हैं। हालांकि यहां के मुसलमानों ने ओवैसी का नाम और काम जरूर सुना होगा, देखा होगा, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव में, और फिर उसके बाद पिछले साल बिहार में उसकी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बारे में। बिहार चुनाव के बाद से ओवैसी की चर्चा बंगाल चुनाव को लेकर भी होती रही है। हालांकि जितनी आशा थी उतनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बहरहाल अब देखना है कि ओवैसी को लेकर आसनसोल में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जल्दबाजी में की जा रही उनकी सभा में उन्हें देखने सुनने के लिए कितने लोग इकट्ठा होते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट के प्रत्याशी दानिश अजीज के प्रचार के उद्देश्य से शुक्रवार को आसनसोल आ रहे हैं। वे यहां एक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन बीजेपी ने ओवैसी की सभा को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने मीडिया से बात करते हुए ओवैसी को सांप्रदायिक बताते हुए कहा कि वे और उनकी पार्टी केवल अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या? আমার মনে হচ্ছে কালকে প্রোগ্রামটা বোধহয় ড্রপ হয়ে যায়। আমার যতক্ষণ এখন পর্যন্ত আমার কাছে যা খবর আছে জানি না, এখন সাম্প্রদায়িক শক্তি অশুভ আতাত এইসব যত ওই ওএসি আপনার আপনার ওই কি নাম আছে সিদ্দিকী এসব সব অশুভ আতাত, এগুলো সব হচ্ছে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়। সাম্প্রদায়িক একটা সম্প্রদায়ের কথা বলে, একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের হয়ে কথা বলে। আমরা চাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, কোনো স্পেশাল কোনো কারুর জন্য কোনো প্যাকেজ হবে না, সার্বিকভাবে সবার জন্য হবে। কোনো সংখ্যালঘু নেই, কোনো সংখ্যাগুরু নেই, সবাই এক। ভারতবর্ষে আছি আমরা, সবার জন্য সমান। কোনো এটা এটা কী হয়? এটা তো এই যে ভদ্রলোকদের যাদের নাম আমি বললাম, এরা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উস্কানি দেয় এবং একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের হয়ে কথা বলে, এবং সেইখানে এই জিনিস উস্কানিমূলক ভাষণ, উত্তেজনামূলক ভাষণ দিয়ে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে, কমিউনাল হারমোনিকে ডিস্টার্ব করে। আমরা চাই না এইরকম লোককে, এইরকম মানুষ, এইরকম পার্টি গণতন্ত্র থেকে দূরে থাকুক, এটাই গণতন্ত্রের জন্য খুব শুভ একটা বার্তা। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्ड्रॉप के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाएं 70% तक की छूट। चित्र सेल श्री बालाजी फैशन, जीती रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल शिल्पांचल के चाना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। विधानसभा चुनाव के तीन चरणों के मतदान अभी हुए हैं। आसनसोल में सातवें चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले ही पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी पुण्येंदु मांझी का तबादला कर दिया गया। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने पदभार संभाल लिया है। चुनाव के दौरान जिलाधिकारी ही जिले का मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, इसलिए पदभार संभालते हुए अनुराग श्रीवास्तव ने अतिरिक्त जिलाधिकारी और तमाम चुनाव अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव शांतिपूर्ण और पक्ष कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए वो सभी जरूरी कदम उठाएंगे। मैं बोलूंगा कि इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस और सीईओ ऑफिस की गाइडलाइंस के अनुरूप किया जाता है, और इसकी काफी अच्छी व्याख्या है सारे ऑर्डर्स है। तो मैं बोलूंगा कि कमीशन और सरकार के द्वारा मुझे भेजा गया है, जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इलेक्शन हो, और चूंकि सरकार ने दायित्व तो दिया है तो उसका पूरी तरह से निर्वहन किया जाएगा। प्राथमिकता मैं बोलूंगा कि अभी इलेक्शन के लिए भेजा, इलेक्शन के दौरान भेजा गया है, तो इलेक्शन अच्छी तरह से बिल्कुल ECI के गाइडलाइंस जो है उस तरह से हो, अभी मेरी सिर्फ ये प्राथमिकता। नए जिला अधिकारी ने अपने अधिकारियों के साथ राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठक की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली, साथ ही चुनाव के संबंध में आयोग के निर्देश के बारे में उन्हें अवगत भी कराया। देखिए, हम लोग हर सप्ताह पार्टी के साथ बैठते हैं, उनकी समस्याएं सुनने के लिए, कंप्लेंट सुनने के लिए, प्लस कहीं उनको परमिशन में तो समस्या नहीं आ रही है, कहीं किसी और प्रकार की सुविधा तो नहीं है, या कोई गाइडलाइन भी हमको भी समझाना होता है, अपनी तरफ से बताना होता है कि क्या कोई कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करनी है। तो एक रेगुलर मीटिंग थी उनके साथ जो वीकली की जाती है इस जिले में, और आज चूंकि मैंने आज ही यहाँ पे चार्ज लिया है तो मेरा भी इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने उनके बारे में भी, उनका भी इंट्रोडक्शन दिया गया, और रेगुलर हमने रिव्यू किया कि उनकी कोई परेशानी तो नहीं है किसी भी चीज़ में, और एक रेगुलर जो इलेक्शन रिलेटेड मीटिंग थी वो थी आज। थैंक यू सर। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. अभी तक आपको यह पता चला है कि इस विधानसभा चुनाव के लिए आसनसोल दुर्गापुर यानी पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अगर नहीं है तो हम आपको बता दें कि इस 9 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कुल 67 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। इन 9 सीटों में से दुर्गापुर पश्चिम सीट के लिए सबसे अधिक 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं, जबकि आसनसोल दक्षिण यानी जिस सीट से 2 फिल्मी शख्सियतों अग्निमित्रा पाल और सायनी घोष चुनाव लड़ रही है, वहां से सबसे कम 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने सभी 9 सीटों से अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं, जबकि इन सीटों के लिए 14 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र जमा किए हैं। बुधवार यानी 7 अप्रैल को नामांकन के लिए अंतिम दिन था। बृहस्पतिवार को सभी 67 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई, जिनमें पाया गया कि सभी नामांकन पत्र सही भरे गए हैं, यानी एक भी नामांकन पत्र किसी भी कारण से रद्द नहीं हुआ है। अब 12 अप्रैल को दिन के 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है कि नहीं। बहरहाल इन 9 सीटों में सबसे अधिक नज़र
आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण और पांडेश्वर सीटों पर है, क्योंकि आसनसोल उत्तर में दिग्गज तृणमूल नेता मलय घटक और उनके सागिर्द रहे बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी के बीच सीधा मुकाबला है। उसी तरह से आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की अग्निमित्रा पाल और तृणमूल कांग्रेस की शायनी घोष के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी इस सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर पूरे आसनसोल शिल्पांचल की नजर है। भले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वह ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे रही है। इसलिए सपा के नेता बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार के लिए लगातार आ रहे हैं। इसी क्रम में सपा के वरिष्ठ नेता अनुराग भादौड़िया ने रानीगंज में तृणमूल उम्मीदवार तापस बनर्जी के समर्थन में एक साइकिल रैली निकाली। यह साइकिल रैली पंजाबी मोड़ से रानीगंज शहर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में तृणमूल समर्थक मौजूद थे। अनुराग भदौरिया के साथ पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, उपाध्यक्ष श्रवण कुमार सिंह भी थे। इस दौरान सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि भाजपा के पास समाज को धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। साइकिल रैली निकाल रहे हैं और ये संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे तृणमूल कांग्रेस के दीदी के साथ है, और टीएमसी के जो मेरे बगल में खड़े हैं यहाँ के यूथ के अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी हमारे साथ हैं। रुपेश जी, हम सब मिलके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को देखिए, रानीगंज विधानसभा है, लेकिन हमारा मैसेज पूरा सिर्फ अंचल में जाएगा, जहाँ पे जितने भी समाजवादी और समाजवादी विचार सभी के सभी टीएमसी को सपोर्ट करें।